हर दिल को सुनाते हैं फरमान फरमान मोहब्बत का, प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का, हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। तहजीब को लूटा है नफरत के खुदाओं ने, जाए तो कहाँ जाए मोहब्बत का, हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का, प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का, हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। अल्लाह करे तुम इतनी तरक्की करो कि एक दिन इस फैक्ट्री के मैनेजर बन जाओ। शुक्रिया, अंदर आ सकता हूँ? हुस्नूर मठ की नौकरी को क्यों खतरे में डाल रही सरकार? आदाब। आदाब भाई, मैंने हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के डायरेक्टर के साथ तुम्हारी बात की, उन्हें तुम्हारे खिलौने बहुत पसंद आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हें जाके मिल लो। जी इजाजत चाहूंगा, खुदा हाफिज। जीते रहो। सरकार आपसे एक राय लेनी थी। आओ बैठो। किस सिलसिले में? सरकार मैं सोच रहा था कि बशारत नवाब। आजर नवाब, तुम जो भी सोचोगे ठीक ही सोचोगे। ठीक है, आइए आइए मुंशी साहब, तशरीफ लाइए। जानिया, आप मेरे को बुलाए यहाँ पे? हाँ आप तशरीफ रखिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलिए मुंशी साहब। आप हमारे नाम बशारत के तो मतलब जानते होंगे। देखो बशारत नवाब जी, आपके नाम के तो एक ही मायने जानता हूँ। देखो वो क्या? शरारत नवाब। गैब से आने वाली आवाज को बशारत कहते हैं मुंशी साहब, और सवेरे सवेरे इस आवाज ने मुझसे कहा कि मुंशी जी को दफ्तर में बुलाओ और उन्हें हुक्म दो कि तुम्हारी खाली जेबें रुपयों से भरते हैं। अजीब इत्तेफाक है। देखो बशारत नवाब, वही आवाज आज सुबह ही सुबह आकर मेरे कानों में बोली। क्या बोली? कि बशारत नवाब अब मैनेजर हो गए हैं, उनको तनख्वाह देना, जेब खर्च नहीं देना। भाई मुंशी साहब इससे क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। अरे जब तक मैं आपसे जेब खर्च ना ले लूं मेरा पेट नहीं भरता है। ऐसा क्या? हाँ। तो बशारत नवाब वो आवाज मेरे को ये भी बोली। क्या बोली? कि बशारत नवाब जितनी किस्तों में मैट्रिक पास करे उतने ही किस्तों में उनको जेब खर्च देना, इजाजत दीजिए। अरे यार ये मुंशी जी समझते क्यों नहीं, पैंतरा चला ही। सर जो बीती सो बीती, अब तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ। आपने हमेशा ही मेरी जिंदगी की डोर अपने हाथ में रखी। लेकिन बेटी उसे फूलों से मैंने ही तो सजाया है, अब जो कुछ होगा वो तो मुझ पर छोड़ दो। आजम नवाब, आप पैसे के लिए खामखा बैंक के चक्कर में फंस रहे थे, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि आपकी जरूरत के लिए मैं आधी रात को हाजिर हूं। शुक्रिया रियाज साहब, लेकिन आपने इंटरेस्ट की पहली किस्त क्यों लौटा दी? नहीं मैंने कहा लौटा दी, मैंने तो पेशगी वसूल कर लिया आपसे। वो कैसे? आपको अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाकर। शुक्रिया, लेकिन रियाज साहब आप दूसरी किस्त तो कबूल फरमाएं। दूसरी किस्त? अभी नहीं, ठहरिए। अगर आप इन दोनों को इसलिए लाए हैं तो इसकी जरूरत नहीं आजर नवाब, आप दोनों जा सकते हैं। नहीं नहीं रियाज साहब, भाई मुंशी जी प्लीज। भाई नहीं नहीं आजर नवाब, आज नहीं फिर कभी से।
आप दोनों तशरीफ ले जाइए, शुक्रिया। आज़ा नवाब, आपने इंग्लैंड से रेहाना को खत भेजा कि आपने वहां इकबाल से मुलाकात की, मगर वो अपनी जिद पर अटल है। मैं समझता हूं कि अब आप इस मामले को यहीं पर खत्म कर दें। राज साहब, आप रेहाना के वालिद हैं, इसीलिए तो मैं ये सोच रहा हूं। इकबाल जिद्दी आदमी है, वो अपनी बात पर अटल है, वो चाहता है कि रेहाना के बच्चे हों, और रेहाना की हालत ऐसी नहीं है। राजा नवाब, मैं उस जिद्दी आदमी के सामने झुकना नहीं चाहता। अरे तुम्हारे को इतनी बात समझ में नहीं आ रही, रियाज साहब आज़ा नवाब से सूद क्यों नहीं ले रहे? हर बात में तुम्हें कुछ तो भी किरकिरी निकालते ना। अजी सीधी बात है, रियाज साहब को हमारे आज़ा नवाब के वैसा डायरेक्टर कौन मिल सकता? मैं हर काम बहुत सोच समझ के करता हूँ आज़ा नवाब। मैं अब आपसे अपनी दूसरी किस्त मांगने जा रहा हूँ। शौक से? मैं चाहता हूं आज़ा नवाब कि आप रेहाना से शादी कर लें। रियाज साहब क्या कह रहे हैं आप? भाई इसमें बुराई क्या है? आप दोनों दोस्त हैं, आप रेहाना के हमदर्द हैं, उसके खैरख्वाह हैं, और फिर आज़ा नवाब यह सौदा आपके लिए घाटे का नहीं होगा। भाई आप सोच लीजिए, ऐसी कोई जल्दी नहीं है इसमें। जी बेहतर। ठीक नहीं सुना? हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक सुना है। हम परसों हैदराबाद वापस जा रहे हैं। लेकिन क्यों? इसमें हैरत की क्या बात है? या आपको डांडेली से इतनी मोहब्बत हो गई है कि आप वापस जाना नहीं चाहती, या डांडेली छोड़ने का ख्याल आपको किसी और वजह से तकलीफ दे लग रहा है? और क्या वजह हो सकती? भाई खासी रोमांटिक जगह है। मेरी जिंदगी में रोमांस की कोई जगह नहीं है। वाकई माहौल दिलकश हो और बशारत नवाब आपसे कहें कि आपकी जुल्फें काली खटाएं हैं, रंग शहाबी है, गजाली आंखें, तब भी नहीं? बशारत नवाब ने हरगिज मुझसे ये सब कुछ नहीं कहा। क्या आप चाहती हैं कि वो ये सब आपसे कहें? मैं समझी नहीं। सैमन शहाब, तुम इतनी मासूम हो नहीं जितनी नजर आती। मुझे तुम्हारे पिछले तजुर्बों से तरोकार नहीं, लेकिन वल्लाह तुम बशारत नवाब को अपनी निगाहों का निशाना नहीं बनाओगी। आप मुझसे हरगिज ऐसी बातें नहीं कर सकते। क्या जानते हैं आप मेरे पिछले तजुर्बों के बारे में? मैंने इन शफाफ झील जैसी आंखों में कभी कभी वो गहराई देखी है कि इंसान डूब के रह जाए, और बशारत नवाब भी एक इंसान है। बशारत नवाब कोई बच्चा तो नहीं है। तभी तो उन्होंने हौसला दे दिया। आप खुद क्यों नहीं पूछते थे बशारत नवाब से कि मैंने उन्हें क्या हौसले दिए हैं? मुझे कुछ किसी से पूछने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि बशारत नवाब तुम्हारी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ये झूठ है, हम दोस्त जरूर हैं। माय डियर एमन, एक औरत और मर्द में या तो सिर्फ दुश्मनी होती है या मोहब्बत, कुछ भी कमी नहीं। ये आपके बुर्ज़वाई मयार हैं। और आपके प्लानिटेरियन स्टैंडर्ड्स क्या हैं? और कितने दोस्त हैं आपके अपनी दुनिया में? मैं जानती हूं नवाब साहब, जिस दुनिया से मैं आपके शीश महल में आई हूं, वहां एक अकेली लड़की के लिए खतरे बहुत हैं। पर जिन तजुर्बों का जिक्र आप कर रहे हैं ना, उन्होंने ही मुझे संभलना सिखाया है। और अगर बशारत नवाब न संभल सके तो? बशारत नवाब ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझे इतराज हो। पर उनके मिजाज में खिलंडरापन जरूर है, उन्हें काम की जिम्मेदारियां उन्हें संभाल लेंगी।
आप क्या समझते हैं आपके इस महलों की चार दीवारी में शराफत इतनी सस्ती है, उसमें इतने फिजूल है, इंसानियत इतनी बेईमानी है। आज कुछ परेशान हुआ है मैं। पैक्स, पैक्स। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट गेटिंग रेडी टू गो टू हैदराबाद क्विक। ये बिल्स हैं, कुछ डिस्पैच करवा दो। थैंक यू। कौन है? मैं, अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए। कहिए। कितने दिनों बाद शक्ल दिखाई आपने? तुमने भी तो देखने की कोशिश नहीं की। मसरूफ भी तो थी। सुना है दरबार हैदराबाद वापस जा रहा है? हाँ, हम जा रहे हैं। तुम खुश हो? नहीं। कहीं इसकी वजह ये खाकसार तो नहीं? ये खुशफहमी कहाँ से हो गई आपको? कभी कभी सीधे रास्तों पर फिसलने को जी चाहता है। संभलिए जनाब, रास्ते पथरीले हैं। संभल तो रहा हूँ, कम से कम कोशिश तो कर रहा हूँ। अब पता चला कामयाब होने के लिए काम करना जरूरी है। तुम भी तो यही चाहती थी। मखदूम मोहद्दीन, सुलेमान खतीब, अजिंदर सिंह बेदी, कृष्ण चंदर, ये सब किताबें पढ़ती हैं आप? लीजिए। आप जरा ठहरो, मैं उसको आती। लाहौल वाला खूब। आइए आइए। आदाब। तशरीफ रखिए रियाज साहब। चाय लेंगे आप? अच्छी, शुक्रिया। कैसे आना हुआ? सुना आप तशरीफ ले जा रही हैं, सोचा चलकर बंदगी कर लूं। वैसे एक और वजह भी थी आपके पास आने की। हम सुन रहे हैं। बेगम साहब, मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहूंगा, मगर अपनी ख्वाहिश का इजहार जरूर करूं। अगर इस ख्वाहिश का ताल्लुक हमसे है तो खुदा करे हम इसे पूरा करने की खुशी हासिल कर सकें। इसीलिए तो हाजिर हुआ हूं कि आप इसे पूरा कर सकती हैं। आपने मेरी बेटी रेहाना को देखा होगा? माशाल्लाह, चश्मे बद्दू। मैं चाहता हूं कि आप अपने साहबजादे आजा नवाब को उसे शादी की इजाजत दे दें। रियाज साहब, रेहाना बीबी माशाल्लाह शादीशुदा है। जी हाँ, मगर उसके शौहर ने उसे तलाक की पेशकश की है। इस्लाम ने तलाक की इजाजत जरूर दी है, मगर उसे पसंदीदा नहीं बताया। बेगम साहबा, इसकी कुछ वजूहात हैं। जरूर होंगे, वरना इतना बड़ा कदम उठाने से पहले बहुत कुछ सोचा समझा जाता है। आपने आजर नवाब से इस बारे में बात की? इसीलिए तो हाजिर हुआ हूं कि उन्होंने मेरी किसी बात का कोई खाते का जवाब नहीं दिया। हम आपकी फिक्र समझ रहे हैं रियाज साहब, लेकिन दो बातें कहना चाहेंगे। जी। एक तो ये रिश्ता आजम नवाब की मर्जी पर मुनसर है, दूसरा उनकी खाला सरकार चाहती है कि आजम नवाब की शादी उनकी लड़की से हो। हम खुद आजम नवाब के जवाब के मुंतजर हैं। अच्छा, मुझे जा रही है। खुदा हाफिज। आपको काम करना अच्छा नहीं लगता? जब काम किया ही नहीं तो अच्छे बुरे का सवाल ही पैदा नहीं होता। काम कर रहा हूं
तो अब जिंदगी के इस पहलू का भी अंदाजा हो रहा है। कौन से पहलू का? यही कि किसी के साये में अपनी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अपने मुस्तकबिल को मैंने इस रैकेट से आगे नहीं देखा। इस रैकेट के उस पार की दुनिया बहुत रंगीन है। आराम और आजाइश किसको पसंद नहीं है? अगर आपको पसंद है तो कौन सा गुनाह हो गया? ये बात नहीं है मैन, ये सब चीजें मुझे आज भी बहुत पसंद है, पर इन्हें मैं भीख में नहीं पाना चाहता हूँ, मेहनत करके हासिल करना चाहता हूँ। मुझे हैरत है मैं किस तरह आजार नवाब से चिपकरा जैसे चट्टान से काई। अजहर नवाब लाख सख्ती बरते पर वो आपको छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं। अजहर नवाब को कितना जानती हो तुम? जितना नौकर अपने मालिक को जानता है। लेकिन फरमान में तुम्हारी हैसियत नौकर की तो नहीं? उससे क्या फर्क पड़ता है, सच्चाई बदल तो नहीं जाती। और मेरे लिए तो यही अच्छा है कि अपनी जगह पहचानूं। जहां तक मेरा सवाल है तुम्हें एहतियात की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी भी हैसियत फैक्ट्री के जनरल मैनेजर की ही है। अरे वो आपके हाथों की नरमी कहां गई? तुम्हें तो कहा था मैंने कि किसी अच्छी चीज को पाने के लिए सख्त और मेहनत कश हाथों की जरूरत होती है। बोलो मैंने, क्या मेरे हाथों में इतनी सख्ती है जितनी तुम चाहती थी? अच्छा जनरल मैनेजर साहब, मेरा हाथ तो छोड़िए, मुझे मुंशी जी से काम है। अरे राव जी सामान जल्दी रखो, ऐसा कर रहे हैं स्पेशल सीट के पीछे। अरे वक्त पे पहुंचता है, जाओ जल्दी रखो। मुंशी जी मुझे 2 मिनट के लिए जीप दे देंगे। काय क्या से दीजिए? मुझे रेहाना से मिलने जाना है। अच्छा सहेली को खुदा हाजिर बोल रहा है, ले जाओ मगर जल्दी लेकर आओ बीबी। ड्राइवर। यस सर। चलो बीबी को छोड़ कर जल्दी जाओ। तो जल्दी आ जाना बीबी, क्या बोल रहा हूँ। Thank you.
की जल्दी आ गई बीबी आप। सहेली को छोड़ के आना बहुत बुरा दिख रहा नहीं आपको? बशारत नवाब, बशारत नवाब, बशारत, बशारत नवाब, अपने जंगल में बहुत जसूस घुस आए हैं। आजम जमा अकेले उधर चले गए। अकेले गए? हाँ हाँ, अकेले गए थे उधर। चलो मेरे साथ आओ जल्दी आइए। तुम्हारी सेना सब जंगल में घुस के आ गए तो बशारत नवाब आजम नवाब दोनों मिलकर जंगल में। आपने पहले क्यों नहीं बताया? अभी तो हवाला है मंदिर जी, वो आजम नवाब बाहर गए थे, वापिस आए। हाँ मैं जानती हूँ। हाँ ठीक, चले गए और बोल के गए बड़े सरकार की ये नहीं मालूम होने देना। बोल के बोल बहुत खराब है। परमान परमान मोहब्बत का